साल 2007 और 8 के दौर में एक तरफ जहां बाबा रामदेव अपने योग के दम पर प्रसिद्धि पा रहे थे, योग विद्या ऋषियों की विद्या, वहीं दूसरी तरफ राजीव दीक्षित अपनी भाषाओं को लेकर लोकप्रिय होते जा रहे थे। दुनिया की जिस भाषा में रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो सबसे रद्दी भाषा। बिल्कुल ठीक। बाबा रामदेव के पास पैसा था और साथ में आस्था चैनल जैसा एक बड़ा मीडियम था, जिसके बाद राजीव दीक्षित की बात करें तो उनके पास उनके मुद्दे थे। मुद्दा स्वदेशी वस्तुओं का, मुद्दा विदेशी कंपनियों के विरोध का और मुद्दा कंपनसेशन का मुद्दा और काले धन का मुद्दा, जिसके साथ स्विस बैंक के साथ उनके खिलाफ चलने का भी एक मुद्दा उनके पास था। बस यहीं से शुरुआत होती है भारत स्वाभिमान आंदोलन की, जो इन दोनों ने मिलकर शुरू किया था। भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, ये अभियान भारत की दशाओं को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत स्वाभिमान का जो अभियान था वो भारत के परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। साथ में आपको बता दें कि यह अभियान भारत की दशा और दिशा दोनों को ठीक करने वाला है। भारत स्वाभिमान का आंदोलन ने जहां पर एक और बाबा रामदेव को योग के अलावा जनता को आकर्षित करने वाले मुद्दे दिए, तो वहीं दूसरी ओर राजीव दीक्षित की लोकप्रियता भी अब बाबा रामदेव से अधिक बढ़ने वाली थी। साथ में आपको बता देते हैं कि बाबा रामदेव जो लगभग 2010 से आते आते बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान के नाम की एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी थी। राजीव दीक्षित इस पार्टी को गांव गांव पहुंचाने के लिए भारत यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं इसी दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले के अचानक ही राजीव दीक्षित की तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है और आधी रात होने तक उनकी मौत हो जाती है। राजीव दीक्षित की मौत को लेकर कई सवाल उठे। कुछ ने कहा कि राजीव दीक्षित की बड़ी बड़ी AMI कंपनियों के साथ खिलाफ चलने वाली जंग चल रही थी, इसलिए किसी बड़ी कंपनी की साजिश रचकर उनकी हत्या करवा दी गई है। और कुछ का कहना है कि बाबा रामदेव से अधिक लोकप्रियता बढ़ने को देखकर उनके कुछ खास लोगों ने उनको रास्ते से हटाने की साजिश की है। राजीव दीक्षित की मौत के पीछे का राज क्यों, बाबा रामदेव पर उठ रहे हैं कई सवाल और क्या है इस पूरे मामले की असली सच्चाई, आइए आज जानते हैं इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं खबरी लाल और आज हम देख रहे हैं मुस्कान की बात का एक नया एपिसोड। राजीव दीक्षित की मौत को लेकर पहला सवाल उठता है कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया, और दूसरा सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा आदमी था जो राजीव दीक्षित की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहता था। राजीव दीक्षित के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि राजीव दीक्षित की डेड बॉडी एकदम नीली पड़ी हुई थी, जो कि अक्सर जहर से होती है। और साथ में आपको बता दें कि उनकी मौत के केस में होती हुई कुछ यह भी चीजें नजर आई कि उनकी नाक में से काला और नीले रंग का लिक्विड निकलता हुआ नजर आया था और उनके मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड भी निकल रहा था। स्वाभाविक है कि इस केस में पोस्टमार्टम का होना एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में सामने आना था, पर इस स्थिति में भी पोस्टमार्टम ना होना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह कहना बेहद मुश्किल है कि राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से हुई है या उनको जहर देकर मारा गया, इसलिए ऐसी स्थिति में राजीव दीक्षित के अंतिम दिन में क्या क्या हुआ इस बारे में डिटेल में जानना बेहद जरूरी है। बाबा रामदेव पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको जलन के रूप में उसको रास्ते में हटाना जरूरी समझा उन्होंने, और साथ में बता दें कि उन्होंने राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम यह कहकर नहीं होने दिया कि पोस्टमार्टम हिंदू रीतियों के खिलाफ है, यहाँ शरीर के साथ काट झाट नहीं होती। 4 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कबार्ड के कारखाने में से एक गैस का रिसाव होता देखते ही देखते पूरा शहर लाशों के ढेर में बदल जाता है। इस त्रासदी में लगभग 8000 से अधिक लोगों की एक ही रात में मौत हो जाती है। इन्हीं दिनों एक लड़का अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। भोपाल गैस त्रासदी में उसके मन में इतनी मल्टीनेशनल कंपनियों को लेकर नफरत भर दी है कि 1990 आते आते एक नौजवान ने भारत में बढ़ती विदेशी कंपनियों के खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर दिया। इस नौजवान लड़के का नाम था राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में अलीगढ़ के एक छोटे से कस्बे में हुआ। उसके बाद राजीव ने इलाहाबाद के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई के इसके 7 साल बाद यानी कि 1992 में राजीव दीक्षित ने महाराष्ट्र के वर्धा में आजादी बचाव आंदोलन की शुरुआत की। राजीव ने मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तर्क दिया कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर कैसे आज भी भारत के लोग विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं और उनके चंगुल में फंसे हुए हैं।
उनके भाषणों की एक रिकॉर्डिंग सीडी बनकर बाजारों में बिकने लगी। साल 2004 आते आते राजीव दीक्षित एक बड़े वर्ग में लोकप्रिय हो गए और इधर बाबा रामदेव को अपने योग के माध्यम से लोकप्रिय होते जा रहे और साथ में बाबा रामदेव को किसी एक ऐसे टैलेंटेड की तलाश थी जिससे वो अपना साम्राज्य योग के बाहर भी स्थापित कर सके। उन्होंने राजीव दीक्षित के नाम पर और उनके काम के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा सुनी थी, इसलिए वो राजीव दीक्षित से मिलना भी चाहते थे। माना जाता है कि बाबा रामदेव अपने योगा कैंप्स में राजीव दीक्षित की सीट कमिश्नर के पास बेचने के लिए तैयार हो गए थे और उन दिनों राजीव दीक्षित भी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित ने अपनी शादी से पहले 34 लाख का घर बनवाया था। अफवाह उड़ने लगी कि ये पैसा राजीव दीक्षित ने ही दिया है जो आंदोलन का पैसा था, और उस वक्त 34 लाख एक बहुत बड़ी राशि के रूप में माना जाता था और एक काफी बड़ा अमाउंट था, और यह आरोप कितना झूठा था या कितना सच्चा था यह तो नहीं पता लग पाया, लेकिन अफवाहों ने राजीव दीक्षित को उनके ही आंदोलन में अकेला कर दिया। इसी टाइम बाबा रामदेव ने और राजीव दीक्षित की मुलाकात होती है। एक तरफ बाबा रामदेव भारतीय ट्रेडिशन बन चुके थे और दूसरी तरफ राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों का विरोध करते थे और साथ में सब देशी कंपनियों की वकालत करते थे। राजीव के पास आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही लेकर एक नए नए विचार साथ होते थे, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि राइट टू रिकॉल का आइडिया भी, यानी कि एक बार के लिए सांसद या विधायक बन जाने के बाद भी आप उस व्यक्ति को वापस बुलाने का अधिकार रख सकते हैं, यानी कि ब्लैक टू सीट बार एक नया ही आयुर्वेद की वकालत की इनके सामने लाया था। इन सब को लेकर राजीव के पास तगड़े विचार थे और अच्छी खासी रिसर्च भी थी, तो जनता को बड़ा आकर्षित करते थे। रामदेव भी राजीव दीक्षित की इस चमक का फायदा उठाने लगे थे और राजीव को अपने योगा कैंप्स के मंच पर बैठाने लगे और साथ में राजीव के भाषण रामदेव के समर्थकों पर और उनके दर्शकों पर बिजली का असर करते थे। रामदेव जानते थे कि योग और स्वदेशी इन दोनों को मिलाने का क्या राजनीतिक असर निकलेगा और भारत में 2009 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जिसमें चुनाव के नजदीक आते आते रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी। अकेले योग से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब स्वदेशी और योग दोनों को मिला दिया जाए और राष्ट्रभक्ति का एक गोल बना दिया जाए जिसमें राजीव उनके काफी अच्छे काम आने वाले थे, जो आजादी को बचाने का आंदोलन और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुके थे। रामदेव को साम्राज्य का मंच मिल गया और रामदेव अपने मंचों पर योग करते और राजीव उनके लिए राजनीतिक पिंच बनाते, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर शानदार भाषण देते। अब राजीव भी लगातार धार्मिक टीवी चैनलों पर जैसे कि आस्था चैनल पर दिखाई देने लगे थे, जिसमें रामदेव भी पैसा कमाने लग गए थे। यहीं से दोनों ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था ब्लैक मनी से लड़ना, भ्रष्टाचार से लड़ना और साथ में विदेशी कंपनियों के विरोध करना, भारतीय कंपनियों और संस्कृति की बात करना। रामदेव इस बात पर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि भारत स्वाभिमान आंदोलन को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी कि आंदोलन को एक राजनीतिक पार्टी में बदल देना चाहते थे। अब तक राजीव रामदेव के मेंटर बन चुके थे, जहां जहां रामदेव वहां वहां उनके पीछे पीछे राजीव। जो भी राजनीतिक आर्थिक मुद्दे उस दौर में रामदेव उठा रहे थे उन्हीं पर वैसा राजीव दीक्षित के आइडियाज थे और उनके आरोप लगाए जाते थे, और राजीव दीक्षित की ये प्रेजेंस और महत्व रामदेव को पुराने सहयोगी बालकृष्ण और राम भक्त को टकने लग गई थी और उनको काफी ज्यादा खटकती थी। वह राजीव को बाहरी आदमी की तरह देखते थे क्योंकि राजीव उनसे अधिक पढ़े लिखे और शिक्षित और काफी ज्यादा प्रभावी थे, उनके पास काफी सारा नॉलेज थी और इसी बीच लेवल का बैर था। अगर हम बात करें दीक्षित और बालकृष्ण की ही दोस्ती की, तो कभी कभी ये लोग एक कमरे में होते हुए भी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते थे, ये एक दूसरे की मौजूदगी को मायने ही नहीं देते थे। तो वहीं कुछ लोगों को ये कहना लग रहा था कि राजीव दीक्षित की पॉपुलर बढ़ती हुई देखकर सारी लाइमलाइट रामदेव के खिसक रही है, और साथ में आपको बता दें कि राजीव दीक्षित की तरफ जा रही सारी जनता, उनको ऐसा लगता था कि रामदेव की यहाँ पे इमेज डाउन हो रही है या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। इधर राजीव की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी ओर बाबा रामदेव ने मार्च 2010 में भारत स्वाभिमान नाम की एक पार्टी लॉन्च कर दी। नई दिल्ली में
अपनी पार्टी के लॉन्च करने की खुशी में बाबा रामदेव ने राजीव के साथ काफी अच्छा समय बताया। बाबा रामदेव का कहना रहा कि मैं देश में सभी 540 से भी ज्यादा लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स खड़े करूंगा और यहां एक क्रांति होगी। पार्टी लॉन्च करने के कुछ महीने बाद सितंबर 2010 में बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित ने अपनी पार्टी के सदस्य और बढ़ाने के लिए भारत स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की और दोनों नेता अलग अलग जिलों में जाकर अपनी पार्टी और उनके गोल्स के बारे में लोगों के साथ बातें करते थे और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें राजीव की बढ़ती लोकप्रियता खटकती थी और खटकती जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि वो राजीव दीक्षित को यह नहीं पता था कि कुछ लोगों को वो हरिद्वार में उनके होने और रामदेव से उनकी नजदीकी को लेकर दिक्कत है। वो सब जानते थे कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है उनकी और उनके रामदेव के साथ जो संबंध है उनके बारे में लेके, पर इस बात से पूरी तरह अवेयर होने के बाद भी राजीव ने पुराने सहयोगी मदन दुबे से कहते हैं कि राजीव शायद परेशानी में थोड़ा घूम रहे हैं। जुलाई 2010 में मैंने उनसे पूछा था कि मुझे भारत स्वाभिमान पार्टी का सदस्य बनना है, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी इंतजार करूं थोड़ा और उसके बाद वो इस बारे में मुझसे बात करेंगे, पर उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। तब मुझे लगा कि शायद इस मामले में कुछ गड़बड़ है और अपनी भारत स्वाभिमान पार्टी के प्रचार के लिए राजीव करीब आधा देश घूम चुके थे। और इस बीच 29 नवंबर 2010 के दिन राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे और राजीव के साथ साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी आचार्य दया सागर और अन्य कार्यकर्ता भी थे। यहाँ करीब 10 बजे और एक बजे उनके दो यहाँ पे प्रोग्राम थे, यानी कि दो कार्यक्रम थे जहाँ पर उन्होंने सबको बताना था अपने आने वाले प्रोग्राम के बारे में। पर जहाँ पर उनका अगला कार्यक्रम शाम 4 बजे होने वाला था वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। दोपहर करीब 2 बजे राजीव दीक्षित अपनी इस अगली जनसभा को शामिल होने के लिए बमतरा तहसील से रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच रास्ते में ही राजीव दीक्षित को भारी पसीना आने लगा। राजीव ने राज्य के प्रभारी आचार्य दया सागर जी से कहा कि उन्हें शौचालय जाना है। इसके बाद दया सागर राजीव दीक्षित को दुर्ग के एक आश्रम में ले गए। यहाँ राजीव को बाथरूम में काफी देर हो गई। जब शक होना लगा तब दरवाजा खोलकर देखा गया तो वहां पर राजीव बेहोश हालत में पड़े हुए मिले। इसके बाद राजीव को एक बिस्तर पर लटाया गया और उसके चेहरे पर काफी पानी के छींटे मारे गए। थोड़ी देर बाद जाकर राजीव को होश आया। होश आने के बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई तो राजीव ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें होम्योपैथिक में इलाज करवाना चाहे, उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना है। लेकिन राजीव के होम्योपैथिक से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। तुरंत राजीव की भलाई के लिए उनको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इस अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं ना होने के कारण उनको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। भिलाई के अपोलो हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। यहाँ पर भी कहा जाता है कि राजीव लगातार मना कर रहे थे इलाज के लिए और वो होम्योपैथिक चिकित्सक के लेने के लिए ही अड़े हुए थे। तब रामदेव ने उनको फोन किया और उनसे बात की कि वो अपना इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाएं। इस पर भी उन्होंने काफी देर तक अड़े रहने के बाद हामी भर दी। माना जाता है कि रामदेव के इस फोन वाले दावे को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। अपने आप को कई प्रण रखे जा रहे हैं और उनकी इसी बात को लेकर बाद में संबंधकों में काफी ज्यादा बातें होती हैं। अब यहाँ पर राजीव की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई और रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में डॉक्टरों ने राजीव को मृत घोषित कर दिया। ये मोटा मोटी वो कहानी है जो राजीव दीक्षित की मौत के बारे में बताई जा रही है। लेकिन राजीव दीक्षित की मृत्यु पर यहाँ कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल है कि बिना पोस्टमार्टम के ही यह खबर प्रचारित की गई कि राजीव दीक्षित की मौत हो गई है। मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है या जहर देने से हुई है, यह बात सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकती थी। अपोलो जैसे बड़े अस्पताल में भी एक संगीन मौत होने के बाद राजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनवाई गई। अब इस बात से साफ पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई साजिश जरूर रची गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक बड़े अस्पताल में एक बहुत ही संगीन मौत होती है पर उसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाई जाती, जबकि यह एक स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया थी। इसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं और भी गंभीर बनाते हैं इस मामले को। राजीव दीक्षित की मौत के बाद बाबा रामदेव ने उनके परिवार को फोन किया और उनसे बात की और अनुरोध किया कि वो राजीव दीक्षित को सम्मानित करना चाहते हैं
और उनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर करना चाहते हैं, यानी कि हरिद्वार में करना चाहते हैं। राजीव की मौत के सदमे से जूझ रहे परिवार के सदस्यों ने रामदेव की बात मान ली और इसलिए दीक्षित के पार्थिव शरीर को उनके गृह जिले अलीगढ़ ले जाने के बजाय उनको हरिद्वार ले जाया गया और वहां पतंजलि आश्रम में राजीव दीक्षित का शरीर बर्फ के बॉक्स में रखा गया और आसपास उनके खास साथियों की भीड़ अपने नेता की आखिरी बार देखने के लिए पहुंची हुई थी। यहां बाबा रामदेव का पतंजलि आश्रम मौजूद है और यहां पर पतंजलि आश्रम में राजीव दीक्षित का शरीर बर्फ के एक बक्से में रखा गया और आसपास उनके खास संबंधियों की भीड़ अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए आई हुई थी। राजीव दीक्षित का चेहरा गेंदे के फूल की मालाओं से ढका हुआ था, केवल यही चीज थी जो नजर आ रही थी, लेकिन लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि राजीव का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, उनका चेहरा अजीब सा बैंगनी और नीला पड़ चुका है, नाक से भी काले और नीले रंग का कुछ बह रहा था। और आगे की कहानी में और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि जिसमें द प्रिंट वेबसाइट में छापा गया है कि आगे की कहानी द प्रिंट वेबसाइट से ही लिखी गई है। द प्रिंट पर छपे आर्टिकल के अनुसार राजीव दीक्षित के पुराने सहयोगी मदन दुबे कहते हैं कि लोग राजीव दीक्षित की अचानक हुई मौत और उनके शरीर के अजीब रंग को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। जैसे जैसे लोग उनके शरीर को देखते जा रहे थे, वैसे वैसे लोग इस बात पर पक्के होते जा रहे थे कि राजीव की हत्या हुई है। लोग पोस्टमार्टम किए जाने की मांग करने लगे। दुबे आगे आके कहते हैं कि फाइनली मैंने तेज आवाज में आके कहा कि यहाँ पर कुछ धोखा हुआ है। यहाँ पर दुबे कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई और भी है जो पोस्टमार्टम चाहता है। और इसके बाद दुबे ने रामदेव को एक पत्र देने के लिए लोगों के साइन लेने शुरू कर दिए जो पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे। करीब 50 से ज्यादा लोगों ने इस फॉर्म पर साइन किया और अगली सुबह करीब 6 बजे कोहरे में 9 लोग का एक ग्रुप रामदेव के ऑफिस तक पहुंचा और पत्र लेकर पहुंचे साथ में कि उन्होंने रामदेव से एक विनती करनी थी कि वो पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट बनवाई जाए। पर यहाँ पर रामदेव के बॉडीगार्ड उन लोगों को अंदर ही नहीं जाने देते, वो उनको दरवाजे पर ही रोक देते हैं। राजीव दीक्षित के सहयोगी मदन दुबे ने गार्ड से कहा कि ठीक है, अंदर जाइए और बाबा जी को बता दीजिए कि अगर वह हम लोगों से नहीं मिलते तो हम दीक्षित के मृत शरीर को अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। और अंत में करीब 7:30 बजे बाबा रामदेव एक बैठक में उनके साथ बैठने के लिए मान गए और उन्होंने दुबे और उनके सहयोगियों को अंदर बुला लिया, लेकिन इन लोगों के फोन बाहर ही रखवा दिए गए ताकि कोई भी इस बात की रिकॉर्डिंग ना कर सके। द प्रिंट के इस फ्रंट आर्टिकल में साफ साफ लिखाया गया था कि मीटिंग में बाबा रामदेव ने कहा कि आप लोग क्या चाहते हो। इस पर दुबे ने कहा कि हम सब आजादी बचाओ आंदोलन के ट्रस्टी हैं और दीक्षित का पोस्टमार्टम चाहते हैं। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जब यह एक प्राकृतिक मौत है तो इस पर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। जिस पर दुबे कहते हैं कि हमें डाउट है इसलिए पोस्टमार्टम होना चाहिए और ये बहस ऐसे ही होती रही, लेकिन बाबा रामदेव पोस्टमार्टम के लिए नहीं माने। बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू धर्म में इस तरह की काट झाट नहीं होती है, जैसे आता है वैसे ही बंदा जाता है। लेकिन दुबे ने रामदेव से कहा कि हमें इस बात पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, जिस पर रामदेव काफी ज्यादा गुस्से पर आ जाते हैं और वह दुबे से काफी ही बेरुखी से बात करते हैं। उनका धर्म देश और उनकी सेवा वो सब कुछ वो भूल चुके थे उस समय। फिर दुबे ने उनको याद करवाया कि जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिनको वो हिंदू धर्म का इंसान कह रहे हैं, उनका धर्म उनका देश है, इसलिए उनका पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए। उन्होंने कभी भी खुद को किसी खास धर्म का व्यक्ति नहीं कहा, इसलिए आप हिंदू धर्म के बारे में चिंता ना करें और पोस्टमार्टम करवाइए। और साथ में दुबे कहते हैं कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो आपके लिए ही अच्छा है, आपके लिए और भी कई उंगलियां उठ रही हैं, वो उठनी है, बंद हो जाएंगी। तकरीबन 1 घंटे तक ये बहस चलती है और रामदेव दुबे पर गुस्से में रहे, लेकिन रामदेव इस बात के लिए मान गए कि वह हाल में जाएंगे और दीक्षित की शव रखा हुआ जहां पर वहां पर लोगों से पूछेंगे। अगर दीक्षित के परिवार वाले इस चीज की हामी भरते हैं तो वो जरूर उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। इसके बाद रामदेव अपनी कार में उस हॉल के लिए निकल गए जहां राजीव दीक्षित का शव रखा हुआ है और वहां पर राजीव को आजादी बचाव आंदोलन के ट्रस्टी इस हॉल के लिए पैदल ही पैदल निकल जाते हैं। बाबा रामदेव के निवास में हॉल करीब 20 मिनट की पैदल की दूरी में था। दुबे और आजादी बचाव कार्यकर्ता वहां पर पैदल पहुंच रहे थे जहां सब
नाराज रामदेव हॉल में पहले ही पहुंच चुके थे। यहां रामदेव ने माइक पकड़ते हुए कहा कि कुछ लोग मुंबई से आए हुए हैं जो मुझसे दीक्षित का पोस्टमार्टम करवाने के लिए कह रहे हैं। मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति हिंदू धर्म में नहीं है और इस पर भारत स्वाभिमान से जुड़ी बहुत सारी बातें हो रही है। हरियाणा के डॉक्टर समन ने कहा कि फिर आप इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे हैं, जिस पर जवाब देने के मूड में शायद रामदेव नहीं थे और उन्होंने लोगों की तरफ मुड़ते हुए रामदेव से कहा कि इस भी अंतिम यात्रा की तैयारी की जाए, जबकि अंतिम यात्रा का टाइम 11 बजे का था और अभी सिर्फ 9 बज रहे थे, पर फिर भी रामदेव ने जल्दी करते हुए सब लोगों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर लिया। सबको एम्बुलेंस पर बिठाया गया और द प्रिंट पर छपे आर्टिकल के अनुसार राजीव के पुराने सहयोगी रहे मदन दुबे कहते हैं कि जब हम हॉल तक पहुंचे तब हम देखते हैं कि सब एम्बुलेंस पे पहले ही निकल चुके थे। हमने बहुत कोशिश की उनको पीछे उनके रोकने की, पर हम नाकाम रहे। शमशान में पहुंचने पर रामदेव राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो हम इसका पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, पर उस मौके पर वह कुछ न कह पाए और उन्होंने कहा कि जैसा आपने डिसाइड किया है हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, जैसा आपने निर्णय लिया है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। इस बात पर प्रदीप ने कहा कि मैं क्या ही कर सकता था, जब लोग घाट पर पहुंच चुके थे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तब इस बात पर हमने संस्कार होना ही जरूरी समझा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छोड़कर रामदेव ने इस बात पर ज्यादा अपना फोकस किया और रामदेव का कहना है कि उन्होंने सिर्फ उनका संस्कार करवा कर उनकी अंतिम इच्छा पूरी करवानी जरूरी समझी। आस्था चैनल के माध्यम से बाबा रामदेव ने कहा कि उनके हार्ट अटैक आने से पहले राजीव से 4 घंटे लगातार वो बात करते रहे। अब इस बात पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रदीप दीक्षित की भिलाई पहुंचने से पहले ही तो राजीव दीक्षित की मौत हो गई थी, तो उनको पहुंचने में तो इतना समय लगा ही नहीं था, और जब राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित रस्ते में ही थे तभी उनको फोन आ गया था कि अब राजीव दीक्षित इस दुनिया में नहीं रहे। तो 4 घंटे बाबा रामदेव की बात किनसे हो गई, फिर बाबा रामदेव ने यह झूठ क्यों बोला और उन्होंने राजीव से फोन पर बात करने की यह बात क्यों कही। उस वक्त उनका भाई प्रदीप भी वहां पर मौजूद था। अब जब इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं बाबा रामदेव पर, तब उसी तरफ प्रदीप दीक्षित के भी कई सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे थे और उनके ऊपर उनके समर्थकों की काफी सारा उंगलियां भी उठ रही थी। दुनिया की जिस भाषा में रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो सबसे रद्दी भाषा। बिल्कुल ठीक।